मेकर रामानंद सागर के पौराणिक धारावाहिक रामायण में देवी सीता की भूमिका तो आपको याद ही होगी, जिसे बखूबी पर्दे पर उतार कर पॉपुलर हुई अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि दीपिका चिखलिया थी, जिन्होंने सीता का किरदार निभाकर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिसके बाद इनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती गई। तभी तो आज भी इन्हें लोग सीता के किरदार के लिए ज्यादा जानते हैं। यूं तो आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप इनके पति और बच्चों के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी उनके बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही आपकी फेवरेट अभिनेत्री के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सीरियल रामायण में देवी सीता का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री दीपिका चिखलिया का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ था, इसलिए इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई मुंबई में ही कम्प्लीट कर ली। अगर बात करें इनके अभिनय करियर की तो बता दें कि दीपिका चिखलिया ने साल 1983 में आई फिल्म सुन मेरी लाला में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद इन्हें और 3 हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने अपने किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा। और इनके ऐसे अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें साल 1987 में टीवी शो रामायण में सीता की भूमिका निभाने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने सीता का किरदार बहुत ही मुलायम तरीके से निभाया था, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। तभी तो आज भी ये सीता के किरदार के लिए ज्यादा जानी जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अभिनेत्री हिंदी इंडस्ट्री के अलावा मलयालम और कन्नड़ इंडस्ट्री में भी अपना नाम रोशन कर चुकी हैं। खैर, आखिरी बार इन्हें साल 2019 में आई फिल्म बाला में सुशीला मिश्रा के किरदार में देखा गया था, जिसके बाद इन्होंने अपने अभिनय करियर को विराम देकर अब राजनीति में अपना इंटरेस्ट जताया है और वर्तमान में पॉलिटिशियन के रूप में जानी जाती है। लेकिन अगर बात करें रामायण में सीता का रोल निभाकर दर्शकों का दिल जीतने वाली दीपिका चिखलिया के पति और बच्चों के बारे में, तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं इनके पति से। इनके पति का नाम हेमंत टोपीवाला है, जिनसे इन्होंने साल 1991 में शादी की थी। आपको बता दें कि इनके पति की एक कॉस्मेटिक कंपनी है। दीपिका इसी कंपनी की रिसर्च और मार्केटिंग टीम को हेड करती है। ये कंपनी श्रृंगार बिंदी एंड टिप्स एंड टोज नेल पॉलिश बनाती है। अब बात करते हैं इनके बच्चों के बारे में, तो आपको बता दें कि इनके बेटे तो नहीं है पर इनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम है निधि टोपीवाला और छोटी बेटी का नाम है जूही टोपीवाला। दोनों वे पढ़ाई कर रही हैं। जब बेटियां स्कूल में होती हैं तब दीपिका दफ्तर में। आज ये अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। वेल, दीपिका चिखलिया के पति और 2 बेटियों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।